कक्षा दसवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का अक्टूबर महीने का मार्कशीट टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि अक्टूबर महीने का संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पे आ चुका है। और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर कराने वाले, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर, ठीक है, रियल पेपर है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि वो सेम टू सेम आपको हम जो पेपर कराने वाले यही आपको सेम टू सेम वो स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं संस्कृत पेपर में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा दसवीं मासिक अक्टूबर परीक्षा 2024-25 संस्कृत, ठीक है। पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, कुल प्रश्न आपके 5 रहेंगे, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति, दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता, तीसरा आता सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लो लेख यानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप स्टूडेंट निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर बुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही आपको बता दें कक्षा दसवीं के, ठीक है, कक्षा दसवीं के हमने यहाँ पर सभी विषय के, ठीक है, जो यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर है वो डाल दिए हैं, ठीक है, सभी विषय के आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका संस्कृत विषय कम्प्लीट करने वाले हैं और आपको सभी विषय के हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख लेना। उससे पहले आप संस्कृत का देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सिंपली से आप यहाँ पर देख लेते उचित विकल्प चित्व लिखित को अपी चत्वारा, तो आपको कोई चार करने हैं, ठीक है, जो कि आपके चार नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला जो आपका सही विकल्प आता है अधु, ठीक है, अधुलिखितेषु तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, तृतीय विभक्ति जो यानी जो आपका तृतीय विभक्ति का जो रूप है उसे बताना कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रामा और बात आपका बालकात और साथ आपका फलैन और दात आपका पुष्पम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो जो आपका तृतीय विभक्ति का रूप रहेगा वो आपका फलैन हो जाएगा। फलैन आपका राइट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद करते जाना है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु मध्यम पुरुषम, ठीक है, एक वचनम रूपम अस्ति। तो आपका यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो आपको बताना कौन सा रहेगा। तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका आ ऑप्शन आता गच्छति और बात आपका यहाँ पर गच्छन्ति और आपका सा ऑप्शन आता गच्छता और दात आपका गच्छसी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा गच्छसी। गच्छसी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद करते जाना है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है, संस्कृत विषय के पेपर में। अब चलिए आपका तीसरा आता लील एव पदे संधि अस्ति, तो आपको बताना कि लील, ठीक है, लील एव में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता, ठीक है, वृद्धि संधि और बात आपका यहाँ पर गुण संधि और साथ आपका यहाँ पर व्यंजन संधि और दात आपका अयादि संधि। तो जो आपका यहाँ पर दिया है लील एव पदे संधि अस्ति, तो लील एव में जो संधि रहेगी वो आपकी रहेगी वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर आएगा वृद्धि संधि। अब चलिए आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख ली तुमने प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, तो आपका यहाँ पर तुमने प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सिंपली सा, इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता दाप इतुम, बात आपका निर्णय तुम और आपका सा आता बिहाय और दात आपका दृष्टुम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, चौथा तुमन प्रत्यय उदाहरणम न अस्ति, यानी तुमन प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहाय हो जाएगा। बिहाय आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका पांचवा आता है, तो पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, तो अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, तो आपको बताना है कि उपसर्ग कौन है, ठीक है। आपका आता रमा और बात आपका सीता और साथ आपका परा और दात आपका टाप, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अधुलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका परा हो जाएगा। परा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। इस तरह से जो आपके उचित विकल्प यानी जो विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको को अपी चत्वारा यानी आपको चार करने थे, पांच आपके दिए हैं तो पांचों के आंसर करा दिए, जो आपको चार सही लगे वो याद कर लेना। अब चलिए प्रश्न आपका दो आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मंजू सात चित्वा रिक्त स्थानी पूरत को, ठीक है, को अपी त्रया, तो आपको तीन रिक्त स्थान करने और आपके यहाँ पर चार रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है, तो जो कि आपके तीन नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता उभव सवम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्थापित बनताओ, तो आपका पहले का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा चत्वारे,
चतवरी। पहली का आंसर आपका रहने वाला रेगिस्तान का, ठीक है, और आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता है यानी जो आपका खा आता है, डोंट डोंट पाद धोनीना अतिथि प्रबुद्धा, तो दूसरी का आंसर आपका रहने वाला चौरस से, ठीक है, चौरस आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा, चौरस से पाद धोनीना अतिथि प्रबुद्धा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर गा आता है न्यायाधीशा डोंट डोंट आसित, तो यहाँ पर न्यायाधीशा, ठीक है, न्यायाधीशा आपका क्या रहेगा जो रहेगा न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसित, तो आपका गा का आंसर रहेगा बंकिम चंद्रा, ठीक है, बंकिम चंद्रा आसित। फिर आपका घा आता है सा डोंट डोंट किरदंती इसमें, तो यहाँ पर सा, ठीक है, भार वेद नाय, आप यहाँ पर देख लीजिए भार वेद नया, ठीक है, भार वेद नया किरदंती इसमें, ये आपका घा का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका घा का आंसर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भार वेद नया। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आपको हमने चारों रिक्त स्थान करा दिए, तो जो आपको तीन सही लगे तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न तीन देख लेते हैं, जिसमें आता उचित युगमेलम क्रूत कोपी त्रया, तो आपको यहाँ पर इस सही जोड़ी आती हैं जिसमें आपको तीन सही जोड़ी करनी है, ठीक है, और ये आपकी तीन नंबर की रहेंगी, तो जो आपको तीन सही लगे वो याद कर लेना, ठीक है। तो पहली आती आती है आपकी पदाति रेव को आपको मैच करना है, ठीक है, पदाति प्लस एव से। फिर जो दूसरी आती है आपकी ठीक है निशांधकारे, तो निशांधकारे को आपको मैच करना किससे, निशा प्लस अंधकारे से। फिर जो आपकी तीसरी आती अभी प्लस आगतम, तो इसको आपको मैच करना, ठीक है, जो आपकी दी अति, ठीक है, अभी प्लस आगतम, तो इसको मैच करना आपको एड़ संधि से। फिर जो आपकी तीसरी चौथी आती यानी घा आती है भोजन प्लस अंते, तो इसको आपको मैच करना भोजनांते से। और जो आपकी आती अड़ा ग्रह प्लस अभ्यंतरे, तो ठीक है, जो आपकी यहाँ पर दी गई ग्रह प्लस अभ्यंतरे, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर ग्रह अभ्यंतरे से, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। आपको तीन यहाँ पर सही जोड़ी करनी थी, तो हमने आपको पाँचों के आंसर बता दिए, जो आपको तीन सही लगे वो याद कर लेना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तो प्रश्न आपका चार आता है अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखित कोपी त्रया, तो आपको तीन प्रश्न करने हैं जो कि आपके छः नंबर के रहेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिनस कृदनम, ठीक है, निसम आरसी की मुक्तवान। फिर आपका दूसरा आता वसुता चौरा कहा आसित, फिर तीसरा आता निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है। फिर आपका चौथा आता जना किमर्थम पादान्ति गच्छति, फिर आपका पाँचवा आता प्रसते निशांधकारे सह किम, ठीक है, अचिंत यत, ये आपके यहाँ पर चार प्रश्न यानी पांच प्रश्न दिए हैं, तो आपको तीन प्रश्न करने, तो तीनों के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और पांचवा प्रश्न और देख लीजिए, फिर हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वप्राचार्य कृते संस्कृत भाषायाम आपका सहायता प्रार्थना पत्र लिखित, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन चौथा है, ठीक है, क्वेश्चन चौथे के पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, जो आपका प्रश्न पाँच है, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था जनस कृदनम सिमस आरसी की मुक्तवान, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथे का पहले का आंसर है, ठीक है। आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन लिखा और नीचे आंसर है, ठीक है, तो आंसर आप इसको याद कर लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर चौथे वाले का दूसरा क्वेश्चन दिया था वसुधा चौरा का आसित, तो इसका आंसर है ठीक है वसुधा आरसी चौरा आसित, ये आपका चौथे का, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथे का तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया था निर्धना जना कथम वित्तम अपराजितवान, तो इसका आंसर रहेगा निर्धना जना भूरी पर इस वित्तम अपराजितवान, ठीक है, आपका तीसरे वाले का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर चौथे वाले का जो आपका चौथे का चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया था जना के मर्तम पदार्थि गच्छति, तो इसका आंसर देख लीजिए अर्थे करण पीणता जना बासयान बिहार पदार्थि गच्छति, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है चौथे का चौथे वाले का आंसर। फिर जो आपका चौथे का पांचवा वाला क्वेश्चन दिया गया था प्रसते, ठीक है, निशांधकारे साकिम अचयंत यत, तो इसका आंसर आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका चौथे की पांचवें वाले का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन चौथा वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका प्रश्न पाँच दिया गया था जिसमें आपको प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य को लिखना था, ठीक है, प्रार्थना पत्र, तो आप यहां पर देख लीजिए इस तरह से आपको लिखना है सिंपली सा, आप पहले तो आप इतना देख लीजिए, ठीक है, सेवायाम प्राचार्य महोदया आदर्श विद्यालय मंदसौरा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपको इसको याद करना है। और फिर आप यहाँ पर धन्यवाद भाव दिया, ठीक है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना कक्षा दसवीं,
ठीक है। इस तरह से आपका जो संस्कृत विषय पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा यहाँ पर ठीक है कक्षा 10वीं के ठीक है सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे अक्टूबर महीने के, जो आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।